हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है सीरीज सर्किट, या उसे डीसी सीरीज सर्किट भी कह सकते हैं। द डीसी सर्किट इन व्हिच रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट टू फ्लो इज कॉल्ड अ डीसी सीरीज सर्किट। डीसी सीरीज सर्किट में क्या होता है, कुछ रेजिस्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड एक दूसरे से, और उसमें करंट जो फ्लो करता है वो सिर्फ एक पाथ होता है, उस पे क्या करता है, करंट फ्लो करता है। किसमें? डीसी सीरीज सर्किट में। डीसी सीरीज सर्किट्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे। बाय ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस रेजिस्टेंस, हमें पता है हर एक रेजिस्टर पे वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस रेजिस्टेंस इज V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। हर एक रेजिस्टर पे वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है, मगर करंट क्या है, सेम है। R1 पे भी करंट सेम है, R2 पे भी करंट सेम है, R3 पे भी करंट सेम है, मगर वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। ये करंट सेम क्यों है यहाँ पर, क्योंकि एक पाथ है जिस जहां पर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3। अब हमारे पास V1 की वैल्यू है IR1, V2 की वैल्यू है IR2, V3 की वैल्यू है IR3। अब हम क्या करेंगे, V1 की जगह पे रखेंगे IR1, V2 की जगह पे रखेंगे IR2, V3 की जगह पे रखेंगे IR3। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ये बन जाएगी, V1 की जगह पे IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। ये हमारे पास क्या हो गई, ये इक्वेशन बन गई जो बराबर होगी V के। अब हमारे पास यहाँ पर करंट जो है वो क्या है, सेम है। I यहाँ पर भी I करंट है, यहाँ पर भी I करंट है, यहाँ पर भी I करंट है। अब इस करंट को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जब हमने कॉमन निकाला तो करंट क्या कर रहा है, इस टोटल रेजिस्टेंस से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस करंट को इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, वी अपान में आई इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब हम इस पूरी थ्योरी को क्या करेंगे, सर्किट की फॉर्म में देखेंगे कि इसकी सर्किट की फॉर्म में किस तरह से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर तीन रेजिस्टर हैं, R1, R2, R3। हमारे पास तीन रेजिस्टर हैं, मगर वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर भी R1 पे भी वोल्टेज डिफरेंट है, R2 पे भी वोल्टेज डिफरेंट है, R3 पे भी वोल्टेज डिफरेंट है। जब हम इन तीनों रेजिस्टर को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी उसका सर्किट इस तरह से बनेगा। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, RS है। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमारे पास क्या बन गई, टोटल रेजिस्टेंस RS। टोटल रेजिस्टेंस RS जो है वो बराबर होती है V अपान में I के, V अपान में I के। RS इज अ टोटल रेजिस्टेंस जो बराबर है V अपान में I इज इक्वल टू RS के। अब हम क्या करेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब यहां पर टोटल रेजिस्टेंस जो मालूम कर रहे हैं, किस तरह से मालूम कर रहे हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यहाँ पर सम कर रहे हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की। R1, R2, R3 को जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस RS मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कंडक्टेंस, क्योंकि हमें पता है कंडक्टेंस जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से GS इज इक्वल टू 1/RS। RS 1/ में क्यों लिखा है, क्योंकि कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यहाँ पर टोटल कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल रेजिस्टेंस,
टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर है आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री के, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है वन अपान में जी एस प्लस में वन अपान में जी वन प्लस में वन अपान में जी टू प्लस में वन अपान में जी थ्री। अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज सर्किट के करेक्टरिस्टिक्स। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज सर्किट्स आर, टोटल जो सीरीज सर्किट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है तीन, वो कौन कौन सी है आइए देखते हैं। नंबर वन, द करंट इन ईच रेजिस्टर इज द सेम, इसका मतलब है कि हर एक रेजिस्टर पे करंट क्या होगा सेम होगा। उसके बाद दूसरी करेक्टरिस्टिक ये है, द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्या है टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से मालूम करेंगे, हर एक रेजिस्टर की अलग अलग रेजिस्टेंस को क्या करेंगे सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। उसके बाद तीसरी करेक्टरिस्टिक है वो ये है, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर डिसिपेटेड इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो टोटल पावर डिसिपेट हो रहा है सर्किट में उसको हम क्या करेंगे सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल पावर मिल जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूलाज है वो ये है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला ये है आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री। यहाँ पर क्या किया है कि टोटल रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड किए, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कौन कौन सी है आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, तो हमें क्या मिल जाएगी टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अब हम देखते हैं फार्मूला किसका पावर का, वो ये है, पावर का फार्मूला जो होता है वो इस तरह से होता है, आई स्क्वायर इंटू आर एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वन प्लस में आई स्क्वायर आर टू प्लस में आई स्क्वायर आर थ्री। करंट को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, मगर करंट क्या होगा सेम होगा, उस सेम करंट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर से तो हमें क्या मिल जाएगी टोटल पावर मिल जाएगी। इस तरह से टोटल पावर को क्या करेंगे सम करेंगे इज इक्वल टू पी वन प्लस में पी टू प्लस में पी थ्री। आई स्क्वायर आर वन जो है वो बराबर है पी वन के, आई स्क्वायर आर टू है बराबर है पी टू के, आई स्क्वायर आर थ्री बराबर है पी थ्री के। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ के, इस पूरी जो हमने कंप्लीट जो हमने थ्योरी डिस्कस की है उसका प्रैक्टिकल किस तरह से होगा, चलिए प्रैक्टिकल की तरफ। अब हम क्या करेंगे, पहले कंपोनेंट मोड को सिलेक्ट करेंगे, कंपोनेंट मोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पी पे प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर। यहाँ पर हमने क्या किया रजिस्टर लिखा और रजिस्टर लिखने के बाद जो है वो हमारे पास एक रजिस्टर आ गया और उसको हम क्या कर देंगे ओके कर देंगे तो ये हमारे जो है वो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा और उसके बाद हम इस रजिस्टर को यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम प्लेस कर देंगे। यहाँ पर पिक एंड प्लेस किया और हमारे पास ये एक रजिस्टर आ गया। अब हम दूसरा जो रजिस्टर है वो किस तरह से लेंगे, अब यहाँ पर सिर्फ सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दूसरा रजिस्टर आ गया। उसके बाद हम तीसरा रजिस्टर किस तरह से लेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा रजिस्टर आ गया। अब हमारे पास ये तीन रजिस्टर आ गए, अब हम क्या करेंगे इन तीनों रजिस्टर की वैल्यूज को चेंज करेंगे। वैल्यूज को चेंज करने के लिए हमने क्या किया इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने क्या किया यहाँ पर हम कर देंगे 2K और उसके बाद ओके को प्रेस कर देंगे। अब हमने यहाँ पर जो है वो दूसरा जो है यहाँ पर जो है वो हम क्या कर देंगे 3K कर देंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे इसको ओके को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक और लेंगे और उसको हम क्या कर देंगे इसकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर हमने 5 की कर दिया। अब उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे ओके कर देंगे। अब ये जो है रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गई चेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे इनको एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इस रेजिस्टर के टर्मिनल को इस टर्मिनल से क्या कर दिया दूसरे रेजिस्टर के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब आर टू का जो ये सेकंड वाला टर्मिनल है उसको आर थ्री के साथ हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है रेजिस्टर्स क्या हो गए
सीरीज में कनेक्ट हो गए, आर वन आर टू एंड आर थ्री। अब हम क्या करेंगे, एक ओम मीटर लेंगे और इसकी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओम मीटर। यहां पर हमने क्या लिखा, ओम मीटर लिखा। ओम मीटर के बाद हमारे पास ये आ गया ओम मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे और यहां से हम ओम मीटर को क्या करेंगे, यहां पर प्लेस करेंगे। यहां पर हमने ओम मीटर को प्रेस किया। अब इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको नीचे लेके आए, तो हमने यहाँ पर इसको लेके आए। अब हम क्या कर देंगे, इसको इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इसके साथ जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर देंगे कि इसको इस टर्मिनल को इस टर्मिनल के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब हमने R1 के टर्मिनल के साथ किसको कनेक्ट कर दिया, फर्स्ट वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, किसको, किसके, ओम मीटर के। अब ये दूसरा टर्मिनल है वो इसको हम कनेक्ट कर देंगे सेकंड टर्मिनल से। अब ये हमारा जो है वो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमें पता है रेजिस्टर्स क्या है, पैसिव डिवाइस है, इसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी रेजिस्टेंस को मालूम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रन एंड सिमुलेशन वाले बटन को प्रेस करेंगे और देखेंगे कि हमें रेजिस्टेंस बता रहा है या नहीं बता रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या है, ओम है, मगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किलो ओम है। यहाँ पर भी 2K है, यहाँ पर भी 3K है, यहाँ पर भी 5K है। अब हम क्या करेंगे, इस ओम मीटर की रेंज को क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉश करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इस ओम मीटर को हम क्या कर देंगे, किलो ओम में कनेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। अब इसकी रेंज जो हो गई वो अब क्या हो गई, किलो ओम में हो गई। अब ओके को प्रेस किया, ओके को प्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। यहाँ पर भी देखें किलो ओम हो गया। अब हम इसको रन एंड सिमुलेशन वाले बटन को प्रेस करेंगे, अब देखेंगे कि हमें बता रहा है या नहीं। यहाँ पर बता रहा है हमें 10K, यहाँ पर है 2K, यहाँ पर है 3K, यहाँ पर है 5K। 5 प्लस 3 प्लस 2 कितने हो गए, 10K। यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब हमें बता रहा है ये क्या, 10K। ये हो गया फर्स्ट वाला फार्मूला जो है वो प्रूव। अब हम देखेंगे कि इसकी वोल्टेज डिफरेंट होगी या नहीं होगी इंडिविजुअल रेजिस्टर पे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम एक दूसरी जो है वो पावर सप्लाई देंगे इसको। अब हम यहाँ पर प्रेस किया, प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे बैटरी, बैटरी लिखा। बैटरी लिखने के बाद हमारे पास ये एक बैटरी आ गई। अब बैटरी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लॉक किया एंटी क्लॉक वाइज, और उसके बाद यहाँ पर रख के हमने क्या कर दिया, इसको इस टर्मिनल को पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद अब दूसरा जो है टर्मिनल R3 वाला, उसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो गई, कनेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को ग्राउंड करेंगे। ग्राउंड करने के लिए यहाँ से हम ग्राउंड को पिक करेंगे, यहाँ पर प्लेस करके हम सर्किट को क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सर्किट को ग्राउंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक DC वोल्ट मीटर लेंगे और वोल्ट मीटर से हम क्या करेंगे, इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लिया, सॉरी, यहाँ पर हमने एक DC वोल्ट मीटर लिया और यहाँ पर हमने इसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद एक दूसरा लिया और उसको हमने क्या कर दिया, उसको भी हमने क्या कर दिया, रोटेट एंटी क्लॉक वाइज कर दिया। अब हमने एक तीसरा वोल्ट मीटर लिया, उसको भी हमने यहाँ पर प्लेस किया। प्लेस करने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको एंटी क्लॉक वाइज क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर दें, नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट कर दें। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर कनेक्ट करें, इस नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट करें, और उसके बाद जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर कनेक्ट करें,
और इस नेगेटिव टर्मिनल को R3 के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर। अब ये आपके क्या हो गए, वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी हमें बता रहा है 1.60, यहाँ पर 2.70, यहाँ पर बता रहा है 4.50। ये क्या कर रहा है, अब हमें वोल्टेज बता रहा है, यहाँ पर भी वोल्ट बता रहा है, यहाँ पर भी वोल्टेज बता रहा है, यहाँ मीन्स डिफरेंट वोल्टेज बता रहा है। अब हम इसका करंट चेक करेंगे कि करंट जो है वो क्या है, सेम है या नहीं है। हमने थ्योरेटिकली तो देखा कि कह रहा है कि सीरीज में करंट सेम होगा, मगर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे वाकई करंट जो है वो सीरीज में सेम है या नहीं है। तो हमने हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी हम एमीटर जो है वो सर्किट में लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। तो इसी की वजह से हम यहाँ पर एक जो है वो रेजिस्टर, यहाँ पर जो है वो हमने वायर को डिलीट किया, डिलीट करने के बाद इसको कर देंगे इसके साथ कनेक्ट। यहाँ पर हमने कनेक्ट किया, अभी इसको इसके साथ कनेक्ट किया, अब एक और एमीटर लेंगे उसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर एक एमीटर लिया और इसको हमने क्या कर दिया, रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इसको और एक मरतबा रोटेट कर दें ताकि यहाँ पर फायर मिरर कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्शन का मसला ना हो। तो हमने यहाँ इस टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम देखेंगे इसकी एम्पियर्स, एम्पियर्स जो है वो हमें क्या बता रहा है, 0.0 बता रहा है। वो क्यों बता रहा है, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, तो इसी वजह से हम इसको क्या कर देंगे, मिली एम्पियर कर देंगे। अब हम इसका एम्पियर चेक करेंगे, अब ये बता रहा है हमें कितना, 0.90 मिली एम्पियर। अब इसका भी हम जो है वो चेंज करेंगे, इसको भी हम क्या कर देंगे, मिली एम्पियर कर देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मिली एम्पियर कर देंगे। मिली एम्पियर करने के बाद ये यहाँ पर देखें 0.90 एम्पियर बता रहा है, यहाँ पर भी 0.90 एम्पियर मिली एम्पियर बता रहा है, मीन्स करंट जो है वो सर्किट में क्या है, सेम है। यहाँ पर भी करंट सेम है तो यहाँ पर भी करंट सेम है, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट। यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंट है, यहाँ पर भी वोल्टेज डिफरेंट है, यहाँ पर भी वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।